हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पर और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, और जो आपके सब्जेक्ट हैं वह मैथमेटिक्स है, यानी कि गणित। तो आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ उसके बारे में जानेंगे, आखिर किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वह आपके प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का यह वीडियो सेशन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सुनहरा अवसर है, आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको यह बेसिकली जब UKG LKG में आप जाते हैं तो आपको इस प्रकार से यूनिट बताई जाती है नंबर्स को पढ़ने के लिए। इस यूनिट का मतलब होता है वंस। हिंदी मीडियम में यूनिट को बोलते हैं इकाई, टेंस को दहाई बोलते हैं, हंड्रेड को सैकड़ा बोलते हैं, थाउजेंड को हज़ार बोलते हैं, 10,000 को 10,000 बोलते हैं, लाख को लाखी बोलते हैं, 10 लाख को 10 लाख बोलते हैं, करोड़ को करोड़ ही बोलते हैं, 10 करोड़ को 10 करोड़ बोलते हैं, अरब 10 अरब। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है, और इनकी वैल्यू भी दिया गया है, इनका मान दिया गया है, इकाई का कितना मान होता है, दहाई का कितना मान होता है, सैकड़े का कितना मान होता है। देखिए इकाई का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, दहाई का मान 10 दिया गया है, सैकड़े का मान 100 दिया गया है, यानी कि 100 का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, बेसिकली आप लोग बस आप लोग को कहाँ तक याद करना है, 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आखिर इन सभी का वैल्यू आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। थाउजेंड्स के लिए कितना होता है, इतना होता है 1000। ठीक है, 10,000 में कितना होगा, 1 4 times 0। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस ये होता है कि आपको कोई नंबर दे देगा, उससे आपको प्लेस वैल्यू पूछ देगा, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पूछ देगा। सेकेंड क्या पूछ सकता है, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू पूछा जाता है। तो आखिर कुछ बच्चे नए होंगे, उनको नहीं मालूम होगा आखिर प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो इनको डिटेल में समझते हैं, फिर इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान को समझने से पहले हम लोग फेस वैल्यू समझ लेते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, मिरर है। ठीक है, मिरर यानी कि दर्पण, एक शीशा है। ठीक है, और उस शीशे में आप अपने आप को देखते हैं, उस शीशे में क्या करते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, तो आप ही का तो फिगर दिखता होगा, और किसी का तो फिगर दिखता नहीं होगा। जैसा आपका फेस होगा उसी के साइज का आपको दिखता होगा। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट अपनाने वाले हैं। जैसे 2 4 7 6, आपको किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछ दे, जैसे मान लीजिए मैं पूछ देता हूँ 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो शीशे में देखेंगे तो कितना आएगा, 7 ही इसका वैल्यू होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगर मैं 4 का प्लेस फेस वैल्यू पूछता हूँ, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, ठीक है, 4 का अगर फेस वैल्यू पूछता हूँ कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा। 2 का अगर फेस वैल्यू पूछता हूँ तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, 6 का फेस वैल्यू पूछता हूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर प्लेस का कोई यहाँ पर महत्व नहीं रह गया, जैसे ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 और ये 1000 प्लेस पे है, तो कितना हो गया, ये इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, ये हजार के स्थान पे है, तो इनके स्थान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, ओके, ये इस प्रकार से हम लोग फेस वैल्यू निकालते हैं। आखिर देखिए क्या लिखा गया है, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में दिया गया है 2 4 3 5 6, यानी कि 24,356 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 24,356, और हिंदी में इसको क्या पढ़ने वाले हैं, 24,356। क्या पढ़ेंगे, 24,356। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो आखिर अब हम लोग को क्वेश्चंस में दिया गया है 2 4 3 5 6 जो दिया गया है, इसमें पूछ रहा है 4 का क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होने वाला है, 4 ही होगा। अगर मैं आपसे पूछ देता बताइए 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन है आपका, आपको जातीय मान बताना है, फेस वैल्यू बताना है। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। फाइंड द फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, जातीय मान निकालना है आपको। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, गिवन गिवन अंडरलाइन नंबर, गिवन अंडर लाइन नंबर, अंडरलाइन नंबर, ठीक है। जो नंबर के नीचे अंडरलाइन दिया गया रहेगा, सिर्फ आपको उसी का फेस वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 426, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी दे देता हूं 1467, इसका आपको फेस वैल्यू निकाल कर बताइए कितना आएगा। वन यहां पर क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है 2 का फेस वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है 1 का फेस वैल्यू निकालना है, बताइए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। इसका फेस वैल्यू आएगा 2, ठीक है। इसका फेस वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। यानी कि मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, फेस वैल्यू पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर 4873। हमारे पास नंबर दिया गया है 4873 में, क्या बोल गया है, 7 जो डिजिट है, 7 डिजिट, यानी कि इसका फेस वैल्यू क्या आने वाला है। जो संख्या दिया गया है 4873 में 7 का जातीय मान, अंकित मान नहीं, जातीय मान होगा, ठीक है, जातीय मान, ठीक है, जातीय मान क्या होने वाला है। तो 7 का जातीय मान कितना आएगा? 7 आंसर आएगा, ठीक है, 7 इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन द नंबर 205 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0। यानी कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है 205, जो 0 डिजिट है, 0 डिजिट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसका फेस वैल्यू कितना आने वाला है, बताइए, फेस वैल्यू कितना आएगा? फेस वैल्यू 0 आएगा। ये भी इसका आंसर कितना आएगा? 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अब प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, अभी हम लोग जस्ट करेंगे अभी, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, जो कि प्लेस वैल्यू के निकालने के लिए, अब इसके प्लेस वैल्यू देखिए, इसका जैसे यूनिट टेंस 100 है, अब इनकी वैल्यू को भी उसने क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। सपोज दैट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 112 ले लेता हूँ। तो ये 2 कौन से डिजिट पे है? ये यूनिट डिजिट पर है, इकाई के स्थान पे है। किसके स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है, ठीक है। एक किसके स्थान पे है? टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, यानी कि दहाई के स्थान पे है, ठीक है। सपोज एक और नंबर ले लेता हूं 4, ये कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो इसको सैकड़ा बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। तो देखिए, यूनिट का वैल्यू क्या होता है, यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अभी हमने आपको टेबल में दिखाया भी है, देखिए यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। 100 का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। 1000 की वैल्यू क्या दी गई है? 1000 दी गई है, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। टेंस प्लेस पे है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, बताइए, 10 होगी। 100 प्लेस पे दिया गया है, तो इसकी 100 हो जाएगी। तो आपके पास अब प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या कर देंगे, 2 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1 × 2 करेंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 1 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 10 कर दिया, और इसमें क्या कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया। सेम एज इट इज, 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 × 4 कर दिया, तो कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे और आप ट्राई करके बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मेरे पास नंबर दिया गया है 6742, ठीक है, इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू निकालना है आपको।
सभी नंबर्स का आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए टू कौन से डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे है। सबसे पहले आप सभी नंबर को लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर फोर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेवन लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया सिक्स लिख दिया। सभी नंबर्स को लिख लिया और यहाँ पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी। तो टू कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस का वैल्यू मतलब वन, यानी कि टू इंटू वन करेंगे कितना आ गया, टू आ गया। फोर कौन से प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है, दहाई के स्थान पे। और दहाई का वैल्यू कितना होता है, दस, यानी कि फोर इंटू टेन किया तो कितना आ गया, फोर्टी हो गया। सेम एज इट इज। सेवन कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड, यानी कि सैकड़े के प्लेस पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। तो सेवन इंटू हंड्रेड किया तो कितना आ गया, सेवन हंड्रेड हो गया। सेम उसी प्रकार से छः कौन से प्लेस पे है, सिक्स कौन से प्लेस पे है, थाउजेंड के प्लेस पे है। तो सिक्स इंटू थाउजेंड कर दिया तो आंसर आ गया 6000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू पर अब हमारा आधारित क्वेश्चंस आ गया है। चलिए इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट सिक्स इन द नंबर, यानी कि 3671 में जो सिक्स डिजिट पे नंबर है, जो जो छः अंक है, छः नंबर का जो अंक है, उसका आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो छः का प्लेस वैल्यू बताइए कितना होगा, सिक्स इंटू सिक्स कौन से प्लेस पे है बताइए, सैकड़े के स्थान पे है, हंड्रेड के स्थान पे है। तो क्या कर दिया, 600 हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट थ्री इन द नंबर, यानी कि 48000 हमारे पास दिया गया है, 48320। इसमें जो दिया गया है, जो तीन अंक दिया गया है, तीन जो नंबर तीन है, सिर्फ उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो तीन, तीन का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, थ्री इंटू हंड्रेड। थ्री कौन से पोजिशन पे है, हंड्रेड के पोजिशन पे है, सैकड़े के स्थान पे है। कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। बताइए, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग मिक्स जो क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मिक्स करके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आने वाला है, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस सेम एज इट इज, क्वेश्चंस इसी प्रकार के फंसने वाले हैं, बस नंबर का हेर फेर होगा। इन द नंबर 548, व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया, देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, संख्या 548 में अंक 5 का जातीय मान, जातीय मान, ठीक है, यहाँ पर जातीय मान लिख लीजिएगा, जातीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, स्थानीय मान क्या होने वाला है। तो 500 जो 48 दिया गया, 548, इसका आपको क्या पूछ रहा है, जो डिजिट 5 है, ये डिजिट जो 5 है, इसका आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है और फेस वैल्यू भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो 548 का सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 548 का आप लोग प्लेस वैल्यू में जो किसका निकालना है, 5 का निकालना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना आने वाला है, 5 इंटू 100, यानी कि क्या आ गया, 500 आ गया। क्या निकल के आया, ये प्लेस वैल्यू निकल के आया, स्थानीय मान, क्या निकल के आया, ये स्थानीय मान निकल गया। कितना आ गया, 500, यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकल के आ गया कितना, 500। और वही फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू 5 का तो 5 ही रहेगा, 5 का फेस वैल्यू कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इन द नंबर 43120। 43120 में जो डिजिट दिया गया है 1, इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान, ये आपको निकालना है। किसका सिर्फ निकालना है, सिर्फ वन का निकालना है। तो वन का फेस वैल्यू कितना आएगा, वन का फेस वैल्यू तो वन ही होगा, ठीक है। और प्लेस वैल्यू के बारे में बात किया जाए वन का, तो वन कौन से पोजीशन पे है, सैकड़े के स्थान पे है, हंड्रेड प्लेस पे है। तो वन इंटू हंड्रेड कर दीजिए, वन इंटू हंड्रेड किया तो कितना आ गया, हंड्रेड आ गया। तो प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने इतना आंसर ला दिया है, तो मैं समझता हूँ उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। अब कुछ और इससे बढ़कर क्वेश्चन, थोड़ा और इसमें तोड़ मोड़ कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा स्क्रीन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, सोच समझ कर बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। जो आपके पास नंबर दिया गया है उस नंबर में जो डिजिट 5 है उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। उसके बाद उन दोनों नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू निकाला है आपने और फेस वैल्यू निकालना है उनका डिफरेंस करना है, घटाना है। ठीक है, बस उन दो नंबर्स को आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं बता दिया हूँ, आप करिए। अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आपको। चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपने लगा लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 90,534 डिजिट 5 का हमको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 100। 5 × 100 किया कितना आ गया, 500 आ गया। और फेस वैल्यू कितना आएगा इनका, ये तो प्लेस वैल्यू निकल गया था हमारा, ठीक है, फेस वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा। और इनका क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, तो कितना आ गया, 5 जीरो में से घटेगा नहीं, इस हाथ से क्या लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो कैरी यहाँ पर आ गया कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना, 9, और यहाँ बचा 4। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आएगा आपका 495। क्वेश्चंस ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको मिलने वाले हैं आपके प्रवेश परीक्षा में, चाहे आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर चेंज रहता है और क्वेश्चंस यही रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब दीजिए क्या आने वाला है। फॉर द नंबर 10,503 विच डिजिट हैज द हाईएस्ट फेस वैल्यू, हाईएस्ट फेस वैल्यू, यहां पर प्लेस वैल्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैं कर देता हूं, प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान। बताइए किसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाला है, 10503 में किसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाला है। देखिए ये यूनिट के प्लेस पे है, 3 × 1 किया, कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। जीरो में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर किसी भी नंबर में जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। ठीक है, 5 × 100 किया, 500 प्लेस पे है, यानी कि 500 हो गया। ठीक है, 0 अगेन आ गया हमारे पास, 0 × 1000 कर दिया हमने, यानी कि 0 हो गया। फिर 1 × 10,000 कर दिया, ठीक है साहब, तो कितना आ गया, 10,000। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो कौन से डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू होने वाली है, तो 1 की हाईएस्ट वैल्यू होने वाली है। आंसर क्या आने वाला है, 1, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई है, 10,000। ठीक है, अगर फेस वैल्यू वही पूछ देता तो फेस वैल्यू क्या होता बताइए, फेस वैल्यू क्या होता, सबका तो सेम ही होता, जैसे 1 का तो 1 ही आता, 5 का 5 आता, 0 का 0 आता, 3 का 3 आता, लेकिन किसका हाईएस्ट है फेस वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को वही किया है और यहाँ पर अब क्या कर रहा है, फेस वैल्यू पूछा जा रहा है। वहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या किया गया था, प्लेस वैल्यू पूछा गया था, इसमें फेस वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। बताइए तो इसमें सबसे ज्यादा फेस वैल्यू किसका होने वाला है, 5 का होने वाला है, क्योंकि यह 5 सबसे बड़ा नंबर है, 5 का 5 होगा, 1 का तो फेस वैल्यू 1 आने वाला है, 0 का 0 होगा, 5 का 5, 0 का 0, 3 का 3 फेस वैल्यू होगा। तो सबसे हाईएस्ट किसका फेस वैल्यू होने वाला है, 5 का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, अभी मैं आपके लिए सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन नंबर 4, 74,920 में आपको क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट द 10,000 प्लेस। ठीक है, 10,000 जो प्लेस पर है उसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, फेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो 10,000 पे क्या है, 7 है, इसका फेस वैल्यू कितना आने वाला है, 7 होने वाला है। तो आंसर कितना आएगा, 7,
जाति या मान पूछा जा रहा है, ठीक है, जाति या मान। ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कल के सेशन में हम और क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं, नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं, जो कि आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल समय के साथ तैयारी करिए, क्योंकि आपका जनवरी के मंथ में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यह बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो समय आप लोगों के पास कम है, और मैं आपका सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आपको बिल्कुल सावधानी के साथ और मेहनत के साथ आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी आपको करनी होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जो कि आपका मैथ 150 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर के होंगे, और 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स का आपका मैथ सेक्शन से होता है। तो मैथ बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, और मन लगाकर पढ़िए, तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करिए, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन किया करिए, प्रैक्टिस किया करें। अगर एक बार इसमें समझ में नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ओके, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। और जो भी टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो रेगुलर बने रहें।